हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे एंड साइड बाय साइड अपनी ड्रीम जॉब की भी मेहनत प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैं हूं आपका दोस्त अरुण अग्रवाल एंड स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम करेंगे एरर डिटेक्शन का पार्ट टू। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आपको पहले मैथ्स का थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कराऊं, उसके बाद इंग्लिश पे आऊं, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, आप लोग चाहते हैं कि एरर डिटेक्शन कराई जाए। सो आप लोगों के प्यार की वजह से तो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जैसा आपका हुक्म सरकार, तो अब चिंता की बात नहीं है, अब हम मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोस साथ में पैरेलली देख करेंगे, ठीक है? तो देखो, एरर डिटेक्शन हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमने 500+ क्वेश्चन लेके आए हैं और 5 बुक्स, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एसपी बक्सी, केडी कैंपस, आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एंड देन प्रीवियस इयर्स एंड जितने भी मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करे थे उतने, ठीक है? तो हजारों क्वेश्चंस में से ये 500 बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये 500 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी एरर डिटेक्शन पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का। द क्वेश्चन इज, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म, नो एरर, ठीक है? हमें बताना है कि इसमें से किस पार्ट में हमारी एरर है, ठीक है? अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो नाउन्स एंड केसेस पे कर रहे हैं, ठीक है? पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम मिक्स टॉपिक्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो देखो, एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करें एंड खुद ट्राई करें एंड उसके बाद मुझे एंड में कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत, ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन में जो गलती है ना, ये है पब्लिक्स में, इसकी जगह आएगा हमेशा पब्लिक, ठीक है? पब्लिक का मतलब ही होता है, पब्लिक जो होता है प्लूरल होता है और उसका मतलब ही होता है कि पब्लिक की ओपिनियन, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ठीक है? सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sceneries of Kashmir is very charming. The sceneries part A of Kashmir B is very charming C और no error part D, ठीक है? तो देखो, इसमें जो error है, ये आपका previous year का question है, हाँ? इसमें हम previous years के questions भी करेंगे. So, इसमें जो error है, sceneries में आएगा, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? Scenery. काफी important questions है. क्वेश्चन है ये, आया हुआ कई बार पूछ रखा है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है? तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड चाइनास प्रेजेंट कंडीशन इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कमिंग टाइम। सो किस पार्ट में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। सो इसमें जो हमारा एरर है ना, वो है इंडिया में, इसकी जगह क्या आएगा हमारा, इंडियाज। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इंडिया और चाइना दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कि इंडिया की प्रॉब्लम और चाइना की प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट कंडीशन को देखकर, मतलब उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेपरेटली बात कर रहे हैं, इंडिया की अलग, चाइना की अलग, ठीक है? तो इसलिए आएगा इंडिया की और चाइना की लगाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस, ओके? सो आवर फोर्थ पार्ट इज, I appreciate you helping the poor who are really most ignored and completely deprived section of our society. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है, देखो एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो एरर है वो है यू में, यू की जगह आएगा हमारा योर। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग जो है हमारा वो एक जीरंड है और जीरन से पहले हमेशा हमारा पोजेसिव केस आता है, पोजेसिव नाउन्स आता है, जैसे का जैसे यू, योर और योर्स, तो हमारा योर जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है? तो इससे पहले हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो इसलिए आएगा हमारा योर, ठीक है? यू नहीं आएगा, हमारा पोजेसिव केस आता है। सो आवर फिफ्थ पार्ट इज,
All his sister-in-laws are married and settled in UK. Or is it no error? So, यहाँ पे क्या आएगा यार, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, तो ध्यान से देखना, ये जो लॉस है ना, ये गलत है, लॉस कभी नहीं होता, हमेशा लॉ ही लिखा जाता है, ठीक है, उसकी जगह हम हमें अब प्लूरल बनाना है इसको, तो हम इसे चेंज करते हैं, इसकी जगह आएगा हमारा सिस्टर्स, तो ये बन गया हमारा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, कभी भी लॉ में एस नहीं लगाते, हमेशा यहां जो रिलेशन दे रखा होता है उसमें एस लगता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पांच पार्ट, अब नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। तो इसमें कहां एरर है, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो इसमें एरर है हमारा वर्ड्स में, ठीक है, यहां वर्ड्स नहीं आएगा, यहां आएगा वर्ड सिंगुलर, वर्ड वंस के साथ हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे वर्ड्स की, ठीक है, वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी Surprising that you do not know even this fact, ठीक है। अब इसमें कहां एरर है, तो देखो इसमें एरर है हमारी हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं होता, ये होता है हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स ही हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है, हम हेडक्वार्टर्स ही यूज करते हैं, चाहे हमें एक हेडक्वार्टर बताना हो या फिर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स बताने हो, ठीक है। तो ये रूल हमेशा याद रखना, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी आएंगे आपके एग्जाम में, इसमें एरर है हमारा जॉन्स में, देखो क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो हाउस की बात हो रही है वो एक घर की बात हो रही है, बहुत सारे घर की बात हो रही है, कि जॉन का अलग घर है और मैरी का अलग घर है, ऐसा है, या फिर जॉन और मैरी का एक ही घर है, एक ही घर है, यहां पे दे भी रखा है, एक तो हाउस दे रखा है, ठीक है, दूसरा कपल दे रखा है, ये बोलना चाहता है कि मैं जॉन और मैरी के घर गया दो बार बट वो दोनों घर पे नहीं थे, ठीक है, यानी एक घर की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे जॉन, ठीक है, यानी जॉन और मैरी का घर, ऐसा नहीं बोलेंगे जॉन का और मैरी का घर, अगर हम यहां पे भी एस लगाते हैं, यहां पे भी अपोस्ट्रोफी एस, यहां पे भी अपोस्ट्रोफी एस, यानी वो दो घर बन जाएंगे, दो अलग अलग लोगों के घर, जॉन का घर अलग, मैरी का घर अलग, बट यहां एक ही घर है तो हमारा आएगा जॉन एंड मैरीज होम या हाउस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें या इसमें जो एरर है ना वो हमारा है एंग्री, एंग्री वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ आएगा मॉब, क्यों, क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है एंग्री पीपल, तो इसके साथ एंग्री लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, द एंग्री, एंग्री पीपल अटैक द पुलिस ऑफिसर्स, दो बार एंग्री तो हम नहीं लगाएंगे ना, तो जो मॉब का मतलब ही है वो है गुस्से वाले लोग, गुस्से वाले लोग, ठीक है, तो इसलिए ये सुपरफ्लुअस है, तो एंग्री यहां पे हम डिलीट कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, सो बताओ किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी, नो एरर, तो इसमें एरर है हमारा फ्रेंड्स में, यहां फ्रेंड्स नहीं आएगा, यहां आएगा हमारा सिंपल फ्रेंड, कभी भी एक ही सेंटेंस में एक साथ दो दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आते हैं, दिस इज द रूल, ठीक है, तो हम यही बोलेंगे फ्रेंड शंकर्स हाउस,
ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, अब देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस। सो आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। सो आई होप कि ट्राई कर लिया होगा। तो इसका आंसर है कैटल्स नहीं होता, यह आएगा कैटल। ये आपका प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैटल, शीप्स हो गया, लगेजेस, फर्नीचर्स, तो ये सब कभी भी एस नहीं आता, फर्नीचर्स में नहीं आता, लगेज में नहीं आता, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम आगे उन पे भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, कैटल अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द टेबल्स वुड इज इन्फेक्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे टेबल्स नहीं आएगा, यहां पे आएगा वुड ऑफ टेबल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नॉन लिविंग थिंग है वुड, उसमें कभी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते। टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है, वुड भी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द वुड ऑफ टेबल इज इन्फेक्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या गलती है, इसमें ये कमांडर्स, इसमें गलती है। हमेशा जब भी हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो इस तरह का, तो हमेशा एंड में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। यहां पे चीफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि कमांडर के साथ। तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से एस अपोस्ट्रोफी एस हटाओ, और चीफ के साथ लगा दो, ठीक है। ऐसा होगा जो जैसे हमने देखा है मदर इन लॉज, ठीक है। तो यहां पे एल ए डब्ल्यू अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, मदर के साथ नहीं आएगा वहां पे भी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के साथ आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कंपाउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा एंड में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। और जब भी आप एस की बात करोगे, सिंपल वाले एस की बात, तो लॉस कभी नहीं लिखते, तो यहां पे आएगा मदर्स, या मदर्स, मदर तो एक ही होगी, सिस्टर कर लेते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस आएगा तो वो लॉस के साथ, फाइन। तो बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इंप्रेसिव एज इट आउट टू बी, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इन बिल्डिंग्स की डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। इन बिल्डिंग्स की, तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है, बट कहां कैसे लगाएंगे, तो इसमें जो एरर है वो हमारा इस पार्ट में है। और देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी एस, एस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा। जब भी हमारा प्लूरल कोई वर्ड होता है तो हम उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। तो हमें बोलना है बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स की डेकोरेशन, तो पहले बिल्डिंग्स एस, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। अगर हमें बोलना होता कि बिल्डिंग की डेकोरेशन, तो हम बिल्डिंग और अपोस्ट्रोफी एस लिखते। यहां पे प्लूरल है तो हमने पहले एस लिखा फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाया, अपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है। सो आवर फिफ्टींथ इज आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वॉन्टेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कराया था, पिछले सेट में,
मैं आपको दोबारा करा रहा हूं तो आपकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो आई पोस्टपोन हिम गोइंग, गोइंग क्या है हमारा एक जीरंड है, एक क्या है जीरंड है, ठीक है। और जीरंड के साथ हमेशा हमारा पॉजेसिव केस आता है, और पॉजेसिव केस में हमारा क्या आएगा, ये आई पोस्टपोन हिज, ठीक है। तो आई पोस्टपोन हिज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वॉन्टेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, तो देखते हैं हमारा लास्ट सेट। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लैविशली, ठीक है। अब इस पार्ट में किसमें एरर है सोचो, पहले वीडियो पॉज करके आपको सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं खुद से, ठीक है। तो देखो ये पार्ट बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, नो एरर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। अब बताओ इसमें इस तरह का काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आएगा यार हमेशा ये रूल याद रखना, कहीं पर लिख लो ये सब चीजें, ये आएगा बिलीव्स, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, इस रूल को हमेशा लिख लो, वन ऑफ के बाद हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है। यहां जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उन सबको आप नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बट नोट्स बना लो प्रॉपर। अब देखते हैं, अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वॉज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। अब बताओ ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, तो देखो इसमें जो एरर है ये है इंफॉर्मेशन, हमेशा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, होता है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्नीचर्स, लगेजेस, लगेजेस कुछ नहीं होता, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, लगेज फर्नीचर, ठीक है। अब बढ़ते हैं, he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day। काफी अच्छा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें होगा हमारा इस पार्ट में एरर, ये हम लिखेंगे स्पून, ठीक है, फिर फुल्स, एस जो आएगा ना वो यहां आएगा, स्पून्स के साथ नहीं आएगा, स्पून के साथ नहीं आएगा, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे एक से ज्यादा स्पून फुल की बात होगी तो हम करेंगे स्पून फुल्स, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं अपना, द कमिटी कोडंट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां जो फाइनल है ना ये नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन का मतलब होता है ना वही होता है फाइनल रिजल्ट, क्या मिला, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कोडंट कम टू अ फाइनल फाइनल रिजल्ट, तो दो बार हो गया ना फाइनल, तो यहां जो फाइनल है वो सुपरफ्लूअस है, ठीक है, इसलिए फाइनल हटा देंगे यहां से। तो गाइस ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने अपनी फेसबुक आईडी का लिंक भी, अपने जीमेल का लिंक भी आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे वहां भी बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।